अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हम आज इंस्टेंट कैरी का चूंदा बनाने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने लिया है 3 कैरी, आधा किलो कैरी है वो। इसको अब हम अच्छे से धो के सुखा लिए हैं और उसको अभी हमने उसका छिलका उतार दिया है। अब उसको हम कद्दूकस करेंगे। तो इस तरह हम कद्दूकस कर लिया सब कैरी को। अब उसको एक चूल्हे पे कढ़ाई रखेंगे और फिर सब ये जो कद्दूकस किया हुआ कैरी का डाल देंगे। और फिर उसके अंदर ये आधा किलो कैरी है ना, तो उसको 400 ग्राम तो शक्कर चाहिए, तो फिर हमने उसमें 400 ग्राम शक्कर डाली है। और चूल्हे पे रखकर उसको 5 मिनट उसकी चाशनी बनने तक हमने उसको चलाते रहेंगे। बीच में चला दिया, फिर सब मसाले डालते हैं उसमें। नमक डालेंगे, काला नमक डालेंगे और फिर उसको हिलाते रहेंगे। फिर हल्दी डालेंगे। उसके बाद हमने उसमें क्या करना है देखना है, चेक करके कि बनी है कि चाशनी। थोड़ी सी एक तार की चाशनी हमारी 15 मिनट के बाद बन गई है। अब इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे, तो उससे टेस्टी बनता है। सब इसको अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। और ये इंस्टेंट बना हुआ चूंदा है। फिर उसके बाद थोड़ा मसाला डालेंगे, गरम मसाला भी हमने उसमें डाल दिया है। और झटपट बनने वाला ये चूंदा तैयार हो गया। मज़ेदार चूंदा ये बनकर तैयार हो गया, कैरी का चूंदा बनकर तैयार हो गया। और आप भी ऐसे बनाइए और इसको रोटी और पराठों के साथ सर्व कीजिए। और कुक विद नाइफ को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक अच्छी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।